हमारा प्रोटेस्ट जो हमारे भाई मौसम शहीद हो गए रांची में और जो हमारी बहन आफरीन का घर बुलडोजर ने बुलडोजर चलाया उस पर उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है। क्यों मुसलमान को टारगेट किया जाता है? क्यों हिंदू जब हिंदू कुछ कोई बोलता है उनके खिलाफ ये नहीं किया जाता, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, हर किसी जगह मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे हुजूर के खिलाफ हमारे हुजूर के शान के खिलाफ कोई बात करे उसका सर कटना चाहिए। और जब तक गवर्नमेंट नूपुर शर्मा को एफआईआर लॉज नहीं करे और सख्त से सजा ना दे तब तक पूरे वर्ल्ड के मुसलमान सड़कों पर आएंगे। ये गवर्नमेंट को हम आखिरी बार बोल रहे हैं, इसके बाद हम नहीं बोलेंगे, इसके बाद हम सीधे सड़कों पर आ जाएंगे अगर उसको जल्द से जल्द उसको सजा ना दी। सरकार कितने दिनों से बात कर रही है, कल भी दो भाई हमारे मारे गए, आज भी एक मारा गया, मरता तो मुसलमान है, चाहे वो कश्मीर का हो चाहे बाहर का हो, मरता तो एक मुसलमान ही है, उसको सजाए मौत होनी चाहिए। और ये कौन सा इंसाफ है किसी के घर हमारी बहन आफरीन ने कौन सी गलत बात बोली? अपने रिलीजन अपने मुस्तफा के लिए उन्होंने बोला, कोई गुनाह किया उसने और उसको घर पे बुलडोजर चला दिया, खिलाफ है। क्या सरकार को करना चाहिए कि वो इस चीज सरकार को जल्द से जल्द नूपुर शर्मा को अरेस्ट करना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जब तक सरकार ये नहीं करेगी तब तक हर कोई मुस्लिम हर कोई कश्मीरी सड़कों पे आएगा और ये प्रोटेस्ट करके रहेंगे, हर वक्त हर साथ चलता रहेगा प्रोटेस्ट, क्योंकि ये हमारे आका की बात है। देखिए हमारा लास्ट फ्राइडे को प्रोटेस्ट था, इससे पहले भी प्रोटेस्ट था, जो नूपुर शर्मा ने जो किया उसके हवाले से हमारा ये प्रोटेस्ट है और ये प्रोटेस्ट कंटिन्यूअसली रहेगा जब तक उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक हमारा प्रोटेस्ट नहीं होगा। बहुत से प्रोटेस्ट के लिए गवर्नमेंट का कोई इशारा नहीं है, हम तो कंटिन्यूअसली लड़ेंगे, गवर्नमेंट चाहे गवर्नमेंट तो काम करती ही नहीं है। यहाँ आप देखो डेमोक्रेसी का एक हमारी एक लड़की आवाज उठा रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच, उससे छीना जाता है, उसके घर पे बिल्डोजर चला जा रहा है, कहाँ कहाँ की डेमोक्रेसी, कौन सी डेमोक्रेसी इंडिया में, कौन सी कुछ नहीं है। जो सरकार की छुपी है इस पे तो सरकार चाहती है कि वो इस चीज को रोके के बढ़ावा दे, क्योंकि सरकार तो वोट बैंक के लिए कर रही है, सरकार इनको अगर अरेस्ट नहीं कर रही है ये तो पूरा वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। अगर ये देखिए पूरे ये अभी खाली हिंदुस्तान की बात है, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान इससे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तो वर्ल्ड में आग लगेगी इससे, कौन सा पीस रहेगा यहाँ पे, कौन सा सेक्युलर कंट्री है हमारी, कहाँ से सेक्युलरिज्म रहेगा हमारी कंट्री, इससे तो आग लगेगी, इससे तो यहाँ पे जन्म बनेगा, पूरा हिंदुस्तान जन्म बनेगा इस चीज से। मुसलमानों को मिलेगा तुम कितने बिल्डोजर लगाओगे, हर घर से बिल्डोजर निकलेगा, वही मेरा नाम नदीम है।